क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको इनका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे 140 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से बन जा 14, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 5 से डिवाइड। ठीक है, 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, 7 एक प्राइम नंबर आ गया तो 7 × 1 = 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 140 के, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ठीक है, अब 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 156। इसको भी सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 × 7 = 14 और यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2 × 8 = 16। फिर से 2 से जब तक इधर इवन रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 18 बन जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा जो कि इसके आगे लग जाएगा 8 के आगे, तो 18 हो जाएगा, तो 2 × 9 = 18। ठीक है, अभी 2 से नहीं जाएगा इधर, इवन नहीं, ओड नंबर आ गया, ये जाएगा 3 से, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये ओनली अपने टेबल पे जाएगा, 13 × 1 = 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 13 × 1। फिर से 2 डबल बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ठीक है, ये किसके प्राइम फैक्टर आ गए 156 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। ठीक है, अब पीछे पहले से ओड नंबर है तो इसको हम लोग 5 से करते हैं, 5 × 7 = 35 38 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 = 32 30 कितने पे आएगा, 6 पे। ठीक है, 2 बच जाएगा तो 5 × 5 = 25। अब फिर से और नंबर है 5 से कर लेते हैं, फिर से 5 × 5 5 × 3 = 15 5 × 2 = 25 ना, और 25 और 1 बच गया तो 5 × 3 = 15 153 ये जाएगा 17 के बारे में, आई थिंक। ये अब 17 के टेबल में जाएगा जो कि आता है 9 टाइम्स में। ठीक है, 17 × 9 = 153। अब 9 किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में। ठीक है, 3 × 1 = 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 138 के, 3825 के प्राइम फैक्टर, 3825 के प्राइम फैक्टर है 5 × 5 × 17 × 3 × 3। ठीक है, अब ये 5 5 और 3 3 रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
फाइव का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू सेवेंटीन, ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 3825 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 5005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, वर्ड नंबर है 11 के टेबल में जाएगा, फाइव के टेबल में चला जाएगा, ये पहले फाइव के टेबल में 1001। ठीक है, अब ये 11 के टेबल में जाएगा, 11 नाइनजा होता है 19, 100 में से 99 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और एक ये वाला 1 वो बन जाएगा 11, जो कि 1 के टेबल में चला जाएगा। ठीक है, अब 19 किसके टेबल में आएगा, 19 आता है हमारा 91 आएगा 13 के टेबल में। ठीक है, 7 टाइम्स में 13, 7 जा 91, अब 7 एक प्राइम नंबर आ गया, तो 71 जा 7, तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें से, तो ये एज इट इज आएगा पूरा, ये सब इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला 7429। ठीक है, 7429 है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टेबल को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इससे हमारा इजी हो जाएगा प्रोसेस, है 7429। अब पीछे वोड नंबर है इसके किसके टेबल में जाएगा, किसी के टेबल में, सबसे पहले 17 के टेबल में जाएगा, 17 के टेबल में ये देखिए 74 से कम क्या आएगा, 68, तो यहाँ पे 68 लिख के इसमें से माइनस करेंगे 17, 1 2 3 4 जा। ठीक है, तो ये 68 जब माइनस होगा इसमें से तो बच जाएगा 6, और ये वाला 2 तो बन जाएगा 6262। किसके पहाड़े किसके टेबल में और कितने टाइम्स में आता है, तो 62 या उससे छोटा 17 के टेबल में 51 आता है। ठीक है, तो 51 42 में से जब माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 11। ठीक है, और 51 कितनी बार टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में, 11 और ये वाला 9 तो 119 बन जाएगा, ये 119 17 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाता है, 7 टाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 19 से। ठीक है, 19 के टेबल में 43 या 43 से कम आता है 38, 2 टाइम्स में 38, इसको में से माइनस करेंगे 43 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और ये वाला 7 बन जाएगा 57। ठीक है, 57 19 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो ये लिख देंगे, ये बन गया 23। 23 एक प्राइम नंबर है जो कि ओनली अपने टेबल पे जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 17 19 एंड 23 एंड 1, तो 7429 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स ऑफ क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, ये होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं।